दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष जीवन की धारा बदलने वाला, अच्छे गुण देने वाला, अच्छा इंसान देने वाला, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्निर्माण, पतन से उन्नति की ओर जाना, अवनति से उन्नति की ओर जाना, यानी राइज करना। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन ऐसे विषय दिए जाते हैं जिससे बच्चों को और युवाओं को संस्कार मिलता है तथा हमारी भावी पीढ़ी सुसंस्कारित होती है। प्रतिदिन इस कार्यक्रम में हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। इसी क्रम में आज का जो विषय है वो दो व्यक्तित्वों का, हमारे समाज के दो व्यक्तित्व का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा विषय है विद्वान एवं पंडित का तुलनात्मक अध्ययन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द है, एक तो विद्वान और पंडित। पहले हम देखेंगे कि विद्वान किसे कहा जाता है और पंडित किसे कहा जाता है, और फिर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विद्वान को देखते हैं कि हम प्रारंभ हमारे शरीर से करते हैं। जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है ये स्थूल शरीर है, और इसके अंदर काम करने वाली पांच इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणी। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों का कार्य करती है, और इस सृष्टि के अंदर आँख खोल करके, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, चख करके, स्पर्श करके, ये जो सृष्टि के अंदर जो विषय है उनको हमारे शरीर के अंदर लेकर आती है, और इन विषयों को जो मैनेजर मन है उनको मन को देती है। मन के दो काम होते हैं। एक मन का काम होता है कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो विषय है उन विषयों के ऊपर जो है पूरी योजना बनाना, और दूसरा कार्य है कि वर्तमान का चिंतन करना और भूतकाल की स्मृति करना और भविष्यकाल की जो है वो परिकल्पना करना। ये मन का कार्य होता है। लेकिन मन भी सब कुछ नहीं है, मन मालिक नहीं है। ये जो उनको विचार मिलते हैं ये वह बुद्धि को दे देता मन, और बुद्धि एक जज का काम करती है, एक निर्णायक होती है, वो अच्छा बुरा निर्णय लेती है, और बुद्धि के द्वारा लिया गया निर्णय जो है, जो व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर काम करता है और बुद्धि के निर्णय के अनुसार चलता है उसे हम विद्वान कहा जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विद्वान का दूसरा अर्थ ये हुआ कि वो कई विषयों का ज्ञाता होता है, वो ज्ञान का ज्ञाता होता है, ज्ञान को अपने मस्तिष्क के अंदर जमा करता है और उसके साथ साथ में समाज को वो ज्ञान वितरित करता है। उसके पास में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर वह समाज को एक बात बताता है, और वह कई पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से खूब उसका स्वाध्याय करके, उसका चिंतन करके, उसको पढ़ करके, और जो उसका नवनीत निकलता है वह नवनीत ही अपनी बुद्धि के अंदर एकत्रित करता है और वह ज्ञानी कहलाता है। आज भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम देखते हैं कि विज्ञान का युग है, इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग के अंदर ज्ञान इतना बढ़ गया है। गूगल अकेले के अंदर हम कोई भी विषय डालें विश्व का, तो उसका ज्ञान हमें गूगल अकेले से प्राप्त हो जाता है। यानी आज जो गूगल है वो व्यक्ति को विद्वान बनाता है, कई तरह की इंफॉर्मेशन देता है और कई तरह का ज्ञान देता है। पूर्व समय के अंदर विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसीलिए पुराने समय में कहा जाता है कि ज्ञान कंठा और दाम अंटा, यानी जो ज्ञान कंठस्थ किया हुआ होता था वही सच्चा ज्ञान कहलाता था, क्योंकि इतनी पुस्तकें भी नहीं थी और पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकते थे, टीवी से, ऑडियो से, वीडियो से, मोबाइल के साधन नहीं थे। तो व्यक्ति जो है अपने खुद की जो है मुख से जो कोई भी विचार प्रस्तुत करता था वही लोग सुनते थे, वही लोग सत्संग किया करते थे। तो इस तरीके से ये सब ज्ञान और ज्ञानी की बात हो गई, और वह ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। अब हम थोड़ा विवेचन पंडित की बात करते हैं
कि हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो जगत है हमारे बुद्धि के स्तर तक, सबसे पहले शरीर, उसके बाद इंद्रियां, इंद्रियां के बाद मन, मन से लेकर के बुद्धि तक आता है, चित्त तक आता है, ये हमारा बाहरी जगत है। और इस जगत के अंदर जो बहुत ज्ञाता होता है, ज्ञान रखने वाला है, वो विद्वान कहलाता है। अब एक भीतर के जगत की बात करते हैं, वो हमारा भीतर का जगत है, प्रज्ञा का जगत कहलाता है। और जो व्यक्ति केवल बाहर के जगत में होता है वो विद्वान कहलाता है, और जो व्यक्ति विज्ञान इस बाहर के जगत के साथ साथ के अंदर भीतर का जगत है, मेडिटेशन के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, ध्यान करके, ईश्वर की भक्ति करके, वो तो भीतर के जगत के अंदर जब कदम रखता है तो वो प्रज्ञा का जगत कहलाता है। प्रज्ञात का जगत है वो सच्चा जगत होता है, और जो बुद्धि का जगत होता है उसमें कई बार बुद्धि जो है सदुपयोग करके सही निर्णय लेती है, उसको सुबुद्धि कहते हैं, तो वह व्यक्ति विद्वान बन जाता है। और किसके पास में ज्ञान है लेकिन बुद्धि के वशीभूत होकर के, वही व्यक्ति अगर बुद्धि के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या मिश्रित हो जाती है, लोभ मिश्रित हो जाता है, स्वार्थ मिश्रित हो जाता है, तो वह बुद्धि जो है वह कुबुद्धि हो जाती है। और कुबुद्धि से प्राप्त किया हुआ विद्वान है उस ज्ञान का दुरुपयोग कर लेता है। दुरुपयोग कैसे करता है, वह अहंकार करने लग जाता है, वह ये मानने लग जाता है कि दुनिया में मेरे से बढ़कर के कोई ज्ञानी और विद्वान नहीं है, और उस अहंकार के मध्य नजर रहते हुए वो बहुत बड़ा समाज का अहित कर बैठता है। लेकिन जो भीतर की दुनिया में जाता है, भीतर की दुनिया के अंदर केवल सत्य है, भीतर की दुनिया में रूपांतरण है, भीतर की दुनिया के अंदर ये बुद्धि के द्वारा दिए गए शब्द समाप्त हो जाते हैं, और वहाँ पर सारा आत्मा का साम्राज्य है, वहाँ ईश्वर का साम्राज्य है, वहाँ भगवान का साम्राज्य है। इसीलिए वहाँ पर सत्य की प्राप्ति होती है, और उस सत्य की प्राप्ति को अनुभव कहा जाता है। उस प्रज्ञा के जगत के अंदर जो व्यक्ति जाता है, इंट्यूशनल पावर के अंदर जो व्यक्ति जाता है वह पंडित कहलाता है। पंडित कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकता। प्रज्ञा के लिए कहा जाता है, प्रज्ञा जो है हमें मोक्ष में ले जाने वाली है, और बुद्धि हमें भटकाने वाली है। बुद्धि के लिए कहा जाता है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि वह होती है जो तर्क कुतर्क करवाती है, और ये ठीक नहीं, ये ठीक है इस तरह की बात करवाता है, ये मत अच्छा है, ये मत बुरा है, इस तरह की बात करती है, भेद विभेद की बात कर लेती है बुद्धि। लेकिन प्रज्ञा के अंदर कभी भेद नहीं होता है, प्रज्ञा आज्ञाकारी होती है, प्रज्ञा ईश्वर का रूप होती है, इसका ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन करने वाली होती है, मोक्ष का प्रेजेंटेशन करने वाली होती है। इसीलिए प्रज्ञा के जगत में जाने वाला पंडित कहा जाता है, उसको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको कि प्रज्ञा का चक्षु मिल गया, भीतर का ज्ञान मिल गया, और उसके लिए जो हमारे गीता के स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्तित्व होता है जो अनुकूल प्रतिकूल, निंदा सम्मान, बुराई भलाई, सर्दी गर्मी, अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों के अंदर सम रहता है। सभी परिस्थितियों में जो सम रहता है वह व्यक्ति वीतरा कहलाता है, वह समभाव वाला व्यक्ति कहलाता है, और वह व्यक्ति कभी किसी का अहित नहीं कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा सबको आनंद देता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज का निर्माण करता है, समाज को अच्छी दिशा देने वाला होता है। इसलिए पंडित बड़ा होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मात्र विद्वान नहीं होना है, हमें पंडित भी बनना है। अगर विद्वान चाहे और भीतरी दुनिया के अंदर जाए, इंट्यूशनल पावर के अंदर जावे, प्रज्ञा की पावर के अंदर जावे, भीतरी जगत के अंदर कदम रखे, तो वह पंडित बन सकता, और न रखे तो वो मात्र बुद्धि के स्तर पर रह करके विद्वान तो कहलाएगा, लेकिन वो तोता रटन होती है, और उसके पास में बहुत बड़ा अनुभव नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है वह अहंकारी हो सकता है। अब हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। किसी व्यक्ति की या किसी समाज की या किसी विषय की तुलना की जाती है तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम विद्वान
और पंडित का जो है वो तुलनात्मक अध्ययन करने से देखते हैं किसमें जो अच्छाई किसमें है और बुराई किसमें है। सबसे पहली बात जो हमने विवेचन किया उसके आधार पर ज्ञानी होना अच्छी बात है, विद्वान होना अच्छी बात है, लेकिन विद्वान अहंकारी हो सकता है लेकिन पंडित कभी भी अहंकारी नहीं होता है। पंडित कभी भी जगत का भला अहित नहीं कर सकता, पंडित किसी को गुमराह नहीं कर सकता, पंडित किसी को कष्ट नहीं दे सकता। वह तो हमेशा जगत कल्याण की बात सोचता है, अच्छा सोचता है, सत्य की बात सोचता है। इसीलिए सबसे बड़ा ये डिफरेंस ये आता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी माताएं थी, नानियां थी, दादियां थी या दादा थे, परदादा थे, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो विद्वान नहीं थे, वो ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उनकी इंट्यूशनल पावर इतनी ज़बरदस्त थी कि वो किसी को धोखा नहीं देते थे, किसी के साथ में कटुता का व्यवहार नहीं करते थे, बड़ी प्रेम की भाषा बोलते थे, बड़े अनुभवी होते थे और बड़े बड़े परिवार को, संयुक्त परिवार को, कई कई लोगों को जो है वो एक साथ जो 100-100 मेंबर मिलकर के रहते थे। और इस तरीके का जो व्यक्ति हमारा वरिष्ठ नागरिक होता था, हमारे पूरे घर का संचालन करता था, समाज का संचालन करता था और समाज को उस पर विश्वास होता था कि ऐसा व्यक्ति ये प्रामाणिक व्यक्ति है और उस प्रामाणिकता के कारण सब उस पर विश्वास करते थे। अब जो है हम एक इसका दूसरा रूप ये देखते हैं कि जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह केवल बाहर के जगत में रहता है, वह बुद्धि के जगत में रहता है, वो केवल लौकिक जगत के अंदर रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति केवल लौकिक जगत में होता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर राग द्वेष हो जाते हैं, किसी के प्रति कटुता हो जाती है, किसी के प्रति बुराई की भावना हो जाती है, यानी टिट बिट्स की अवस्था आ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर विद्वान जो है वह एक बहुत अच्छा इंसान बन करके नहीं रह सकता है, क्योंकि बुद्धि उसको समय समय के ऊपर जो है प्रभावित करती रहती है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो विद्वान होता है उसको बुद्धि प्रभावित करती है, हर क्षण प्रभावित करती है, अच्छी दिशा में होती तो अच्छी दिशा में ले जाती है, लेकिन वह कुबुद्धि हो जाती है तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के वह उस विद्वान को अलग जो स्थान के अंदर ले जा सकती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज के कुछ सिनेरियो की बात करना चाहता हूँ, उससे उनका तुलनात्मक अध्ययन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने कि बहुत बड़ा ज्ञान लिया है, एक जज है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक बहुत बड़ा वकील है, ये हमारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये समाज के अंदर पूरी शिक्षा प्राप्त करते हैं और लंबे लंबे समय तक डिग्रियां और शिक्षा लेते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई और बहनों कि एक जज क्यों करप्टेड होता है, क्यों वह घूस लेता है, और एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर है क्यों वह सुसाइड करता है, और उसके बाद के अंदर एक बहुत बड़ा जो डॉक्टर है वह व्यभिचार क्यों करता है। इसका कारण यह है कि वो लोग केवल बुद्धि के वशीभूत है, विद्वान तो बने हुए हैं, ज्ञानी तो है, लेकिन उनके अंदर प्रज्ञा का जो है असर नहीं है, प्रज्ञा का प्रभाव नहीं है, इस कारण से वो इसी जगत के अंदर इस तरीके से कार्य करते हैं। तो इसीलिए हमें अगर देश का निर्माण करना है, समाज का निर्माण करना है, अपनी भावी पीढ़ी को आगे ले जाना है, तो हमने भावनात्मक स्तर पर विकास करना होगा। जो मेन डिमार्केशन लाइन है कि ये लाइन तो जो है बुद्धि की लाइन है और ये लाइन प्रज्ञा की लाइन है, ये दोनों पास पास के अंदर है। जब हम जो ही थोड़ा सा बुद्धि को प्रज्ञा के जगत के अंदर ले जाते हैं तो हम सच्चे जगत में आ जाते हैं। ये कब होता है, क्यों होता है, इसका मैं बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को भीतर में जगत में जाने के लिए आँख बंद करके मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन के अंदर क्या किया जाता है, हम कायोत्सर्ग करते हैं पहले, कि शरीर को शिथिल करते हैं पूरा, कि शरीर के अंदर कोई अकड़न नहीं,
कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं और किसी तरह की बौद्रेशन नहीं है, पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, यानी शरीर की चंचलता को समाप्त करते हैं। और हमारा श्वास है ये बहुत बड़ा हमारा साथी है, श्वास अगर छोटा होता है तो हमें चंचल बनाता है, और श्वास जब लंबा होता है, अगर हम घड़ी से नापें कि एक मिनट के अंदर 16, 14, 12 सांस लेते हैं तो वो आइडियल हमारे श्वास होते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति कोई बुद्धि के वसीभूत होता है, वो ज्ञानी रूप में होता है, वो लोभ के क्रोध अहंकार माया लोभ के चक्कर में आ जाता है तो उसके श्वास की संख्या बढ़ जाती है, तो बढ़ जाने के कारण जो है वो हमारा श्वास नियमित नहीं होता, राग द्वेष युक्त हो जाता। इसीलिए भीतर के जगत में जाने के लिए हमें श्वास को लंबा लेना, गहरा लेना, समतल लेना, उसको शिथिल करना। जब ये दो साथी हमारे कब्जे हो जाते हैं, यानी हमारा सहयोग देना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमें चंचलता मिट जाती है, और चंचलता मिटने के कारण भीतरी जगत के अंदर हमारा ध्यान लगता है। ध्यान के माध्यम से हम प्रज्ञा के जगत में जा सकते हैं, और प्रज्ञा का जगत भीतरी जगत है। भीतरी जगत व्यक्ति का अपना बिल्कुल प्राइवेट जगत होता है, जिसमें एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता सिवाय उसके चित्त के, सिवाय उसके विचारों के। वह स्वयं जो है वह आत्म साक्षात्कार करने के लिए भीतर के जगत में जा सकता है, दूसरा जगत, दूसरा व्यक्ति कोई भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो मेडिटेशन का अर्थ होता है किसी भी एक आलंबन के साथ के अंदर हमारे चित्त को केंद्रित करना। दर्शकगण भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब मिडिल स्कूल के अंदर प्रिज्म के जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रिज्म जो एक त्रिकोणात्मक जो है बिल्कुल स्वच्छ रंग का जो है वो कांच का टुकड़ा होता है, उसको सूर्य की किरणों को एक दिशा में रख करके उसको सेट करके उसके सामने कागज रखा जाता है, तो सारी किरणें उस प्रिज्म से परावर्तित होकर के और उस कागज के टुकड़े ऊपर एक जगह पर केंद्रित होती है, तो कागज का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा जलने की स्थिति में आ जाती है। इतनी कंसंट्रेशन की इतनी पावर होती है, जब प्रिज्म के सूर्य की किरणों की पावर हो सकती है तो हमारी आत्मा तो अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है। तो इसका तो सुख का या इसके ज्ञान का तो कोई पार ही नहीं। इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट ब्लिस, इन्फिनिट फेथ, इन्फिनिट एनर्जी एंड इन्फिनिट प्लेजर्स। तो जब वो उसके हम दायरे के अंदर चले जाते हैं तो हमारा तो जीवन बहुत बड़ा आनंदमय हो जाता है। और जिस समाज के अंदर ज़्यादा पंडित लोग होंगे, पंडित बोलचाल की भाषा में हम पंडित कहते हैं, ब्राह्मण को पंडित कहते हैं, वह पंडित नहीं। पंडित का अर्थ होता है प्रज्ञा चक्षु, भीतर के जगत में जाने वाला, भीतर का अनुभव रखने वाला, भीतर की प्रतीति करने वाला, भीतर के जगत की जानकारी करने वाला, वो पंडित होता है। और जिस समाज के अंदर ऐसे लोग होते हैं वो समाज आचारवान हो जाता है, वो समाज एथिक्स वाला समाज होता है, और उस समाज के अंदर अच्छाइयाँ आती है, मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है और एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, वो बुराई रहित होता है, वह स्वस्थ समाज होता है। अगर हमें स्वस्थ समाज की रचना करनी है, स्वस्थ विश्व का निर्माण करना है, वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण करना है, जो हमारी भारत की सबसे बड़ी एक मान्यता प्राप्त जो हमारा रोल मॉडल है उसको हमें अगर स्थापित करना है तो हमें विद्वान से पंडित बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं निष्कर्ष की भाषा में बताना चाहता हूँ कि प्रारंभ से ही प्राइमरी स्कूल से जब बच्चा स्कूल जाता है उसमें भावनात्मक विकास किया जाए, उसे इस शरीर तक सीमित नहीं रखा जाए, उसको मेडिटेशन करा करके भीतरी जगत की जो बातें हैं वो भी बताई जाती। हालांकि भीतरी जगत अमूर्त होता है, लेकिन क्या आपने सोचा कि ये हमारे जो विचार भीतर से आ रहे हैं, जो कि हम इस वाणी से बोल करके बताते हैं, इनका क्रिएशन, इनका प्रोडक्शन सब हमारे भीतर के जगत में होता है और इसका उद्गम स्थल वही है और रूपांतरण भी वही होता है, व्यक्ति बदलता उसी जगत के अंदर है। तो हमें प्रज्ञा के जगत के अंदर, भीतरी जगत में जाकर के और व्यक्ति को पंडित बनाने की बात करनी चाहिए।
आज जो शिक्षा में सबसे बड़ी कमी आई है, ये विषय आज क्यों रखा गया कि ये शिक्षा के अंदर जो कमी आई है, वो जो वट एवर द गैप हैज बीन क्रिएटेड, हाउ वी कैन फिल अप द गैप एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव द मॉडर्न एजुकेशन, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम एंड द प्रेजेंट मॉडर्न आवर एजुकेशन सिस्टम, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द बुद्धि एंड प्रज्ञा। हम इस डिफरेंस को समझ जाएंगे तो हम इस गैप को फिल इन कर सकते हैं और हमारी जो अधूरी शिक्षा पद्धति है उसको हम होलिस्टिक बना सकते हैं। इसलिए भावनात्मक विकास किया जाना बहुत ज़रूरी है और यह विकास छूटता जा रहा है। पहले जो हमारे भीतरी जगत के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था, क्योंकि समाज में करैक्टर वाले लोग हैं उनको ही ऊंचा स्थान दिया जाता था। पुराने समय की बात करें तो हम मैथमेटिक्स का एक रूल है कि एक सर्किल से एक पेरीफेरी, एक केंद्र से एक सर्किल खींचा जाता है जिसके अंदर केंद्र होता है और पेरीफेरी होती है। तो पुराने ज़माने में आज से 20-50 साल पहले मनुष्य जो है समाज के केंद्र में रहता था और जो परिधि है उसके अंदर धन रहता था और दूसरी बातें रहती, तो सेकेंडरी थी, जो हमारा धन संपत्ति सेकेंडरी थी और मनुष्य जो है वो प्राइमरी था। लेकिन आज जब बुद्धि के जगत का वर्चस्व बढ़ा है, आज विद्वानों की संख्या बढ़ी है, पंडितों की संख्या घटी है, हम भीतरी जगत में जाना हमने छोड़ दिया है, इंद्रिय जगत पर ही काम करने लगे हैं, तो हुआ क्या है कि मनुष्य जो केंद्र में था उसको हमने परिधि पर पटक दिया है और परिधि का जो धन का केंद्र था, संपत्ति धन द्रव्य है, उसको हमने केंद्र पे लिया। यानी आज एक मापदंड बन गया सोसाइटी का, एन केन प्रकार बाय हुक और क्रूक वी शुड अर्न द मनी एंड वी शुड बी मल्टी मिलियनर, विद द हेल्प ऑफ द मनी वी कैन परचेज एवरीथिंग एंड वी कैन हैव आवर सोशल स्टेटस एंड वी कैन मेक इमेज इन आवर सोसाइटी। ये हमारी गलत धारणा है। इस धारणा को आज का विशेष लिखा गया है कि इस धारणा को हमें मिटाना है, हमें करैक्टर पर दौड़ देना है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करैक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, मैन इज ओन बाय द करैक्टर। जितने हमारे भारत रत्न हुए हैं, ऋषि महर्षि जो जितने हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान ऋषभ, जितने भी हमारी भारतीय संस्कृति में हुए हैं, उन्होंने आचार पर महत्व दिया है, उन्होंने हमेशा आचार का पक्ष लिया है और आचार प्रधान भारत देश रहा है। भारत को धर्म गुरु देश किसलिए कहा गया है, आचार के कारण आ गया है कि भारतीय लोगों में कथनी करनी में अंतर नहीं होता है, जो वो कहते हैं वही करते हैं। इसीलिए रामायण के अंदर क्या कहे, पूरा राम का व्यक्तित्व का हम चित्रण करें तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप इसको देखते हैं, आप इसके अंदर बड़ा चाव लेते हैं और पुनरुत्थान का उद्देश्य जगत का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, आनंद मिले, चैन मिले, मोक्ष मिले, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय, सुखमय, ज्ञानमय, धर्ममय।